कुछ नहीं, धनिया तू अनूपनगर जा रही है। हाँ क्यों, तू आज नहीं चलेगी? नहीं, आज मैं एक भी खिलौना नहीं बना पा रही। काहे? दिन भर बुखार था, अभी कुछ कम हुआ है। तू दवाई ले लेना। अभी तो मैंने अदरक और तुलसी की चाय पी है, अगर कल तक ठीक नहीं हुआ ना तब डॉक्टर के पास जाऊंगी। अच्छा अच्छा, देख ज्यादा खराब हो जाए ना तो डॉक्टर के पास अभी चली जा। हाँ, ठीक है, ठीक अपना है। ध्यान रखियो। हाँ, जाके आराम कर जा। अरे अम्मा, राम राम। अरे खुशी रहे, खुशी रहे। आ गई काम करके? बस सुबह से जाती हूँ तो शाम को लौटती हूँ। इस उम्र में भी बहुत मेहनत करती हो अम्मा, थोड़ा आराम मिलता तो अच्छा था तुम्हारे लिए। ले आराम, और हम गरीबों के नसीब में। अरे हमारी जिंदगी में आराम कहाँ, और मेरे पास तो ये खेती बाड़ी भी नहीं कि कुछ सब्जी बोलूं। अरे अम्मा, खेती बाड़ी हो तो भी मेहनत तो करनी ही पड़ती है ना। सो तो अब मुझे ही देख लो, सुबह सुबह खेत पे जाती हूँ, अब ये भाजी बेचने जा रही हूँ। चल अच्छा तो है, मेरी तो सोच अनूप नगर में चार घर पकड़ रखे हैं, सुबह से शाम तक बर्तन भांडे कपड़े सफाई, बस उन्हीं की टहल पहल में सारा दिन बीत जाता है। चलो अच्छा है। अरे ये क्या ले आई अम्मा? साड़ी है, काम करती हूँ ना चंदा बाई के यहाँ। हाँ? उन्होंने दी, बड़ी अच्छी बहन जी है, बड़ा ध्यान रखती गरीबों का। तू रख ले। अरे ना ना, तुझे दिए, तू ही पहन, खूब फबेगी तुझ पर। अच्छा मैं चलती हूँ, देर हो रही है मुझे। आ जा, मैं भी चलूँ काम। हेलो, मैं चंद्रा मेहता बोल रही हूँ, सत्या है? हाय सत्या, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, और क्या खबर है? अच्छा मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाती हूँ। पिछले दिनों हमारी सहेली संस्था ने बेसहारा महिलाओं को रोजगार दिलाने का काम पूरा किया, उसके लिए राज्य के श्रम मंत्री ने हमें बधाई पत्र भेजा है, और उसमें ये भी लिखा है कि हम लोग अगर आगे कोई भी प्रोजेक्ट उठाना चाहें तो उसमें सरकार की तरफ से हर तरह की मदद देकर उन्हें खुशी होगी। तो कम मिल रही हो? ओके। अरे धनिया, कहाँ जा रही है? सब ठीक तो है ना? मैं तेरे घर ही आ रही थी। अच्छा, देखना। हाँ। पप्पू को कल रात से बुखार है। ओहो। हल्का बुखार तो शाम को ही था जब मैं अनूपनगर गई थी। लौट कर देखा तो बुखार बहुत तेज हो गया था। अच्छा। हाँ। अब कैसा है? बुखार तो है, लेकिन मुझे लगता है कि बदन में दर्द भी बहुत है। वो तो डॉक्टर को दिखा ले। डॉक्टर कौन नजदीक बैठा है, अनूपनगर लेके जाना होगा। अच्छा तू ऐसा कर, तेरे पास अदरक और काली मिर्च तो है ना? हाँ है। तो तुलसी अदरक और काली मिर्च मिलाकर उसको काढ़ा बनाकर पिला दे, फिर तू डॉक्टर को दिखा लाना, ये ठीक रहेगा। हाँ मैं भी देती हूँ। अच्छा चल, मैं भी देख लेती हूँ उसे। हाँ हाँ चल। धनिया आ गई तू? हाँ आ गई। डॉक्टर के पास गई थी ना? अच्छा। दिखा दिया, वो कह रहे थे कि पप्पू दो तीन दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो कोई दवाई दी? हाँ दी है, देखो दवा लेके आ रही हूँ। अच्छा वैसे ही देना जैसे डॉक्टर ने बताया है। हाँ हाँ वैसे ही दूंगी। मैं चलती हूँ। अरे रुक तो सही, तेरे लिए चाय बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं पप्पू घर में अकेला है ना, मैं चलती हूँ। सुन। हाँ। तो सब्जी बना रही है ना? बन जाए तो थोड़ी सी मुझे दे जाना, क्योंकि मैंने रोटी बनाई है, सब्जी नहीं बनाई। अच्छा ठीक है, आज तो मुझे सुखी अम्मा को भी सब्जी देनी है। अच्छा। हाँ चल, मैंने तेरा काम बढ़ा दिया। अरे कोई बात नहीं, लेकिन पप्पू का ध्यान रखना। हाँ हाँ रखूंगी। मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ, दोपहर को आऊंगी मैं। ठीक है सुखी अम्मा, तुम दो दिन से आई क्यों नहीं थी? क्या बताऊं बीबी जी, जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। क्या हुआ? मेरी जान पहचान की है एक धनिया, आदमी तो उसका शहर में मजूरी करता है, और उसका बेटा पप्पू अचानक बीमार हो गया, और उसको लेकर के अनूपनगर गई, डॉक्टर को दिखाया। फिर? अब डॉक्टर ने खाने के लिए तो गोली दे दी, और पीने के लिए एक शीशी में दवाई दी,
और वैसी ही दूसरी शीशी में डॉक्टर ने जोड़ों पर लगाने के लिए मालिश का तेल दे दिया। डॉक्टर ने खास ताकीद की थी कि ये तेल जहरीला है, लगाने के बाद साबुन से हाथ धो लेना। और जानकारी के लिए दोनों शीशी पर कागज भी लगा दिया, एक पर लिख दिया मालिश का तेल और दूसरी पर लिख दिया पीने की दवा। तो धनिया ने बिना हाथ धोए वो दवाई उसको दे दी? नहीं बीबी जी, रात को तो उसने पप्पू को सही दवा दे दी, पर सुबह भूल गई। अब जब काम से 9-10 बजे निपटी तो उसने पप्पू को गोली तो खिला दी, पर चम्मच में मालिश का तेल डाल करके पिला दिया। बस पप्पू के तो हालात बिगड़ने लगे। हाय राम, मैं क्या करूं, किससे कहूं, मेरे पप्पू की हालत इतनी खराब हो रही है, क्या करूं मैं? सब गांव वाले भी काम पे चले गए। हे भगवान, मैं क्या करूं, किससे कहूं? हे डाक वाले भैया, आना जरा भैया, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। देखो मेरे पापू की हालत बहुत खराब हो रही है, चल के जरा देखो। अच्छा अच्छा, मैं हाथ जोड़ती हूँ। अच्छा अच्छा, देखता हूँ मैं पापू को, लेके देखता हूँ उसको, लेके आ। नो बेटा, देखो भैया, इसकी हालत तो बहुत खराब लगती है, तूने कोई दवा पिलाई? हाँ पिलाई, तभी तो हालत इतनी खराब हुई है इसकी। अरे कौन सी दवा पिलाई, जरा दिखा दो। मैं पिलाई, ये बात। अरे मूरख, हाँ? तू पढ़ी लिखी नहीं है क्या? नहीं, क्यों, क्या बात है? ये क्या पिला दिया तूने? ये तो मालिश का तेल है। डॉक्टर ने तो कहा था जहरीला तेल है। अम्मू ना, क्या डॉक्टर ने कोई ऐसी दवा भी दी थी साथ में, इसके साथ ऐसी शीशी? हाँ दी थी। जरा दिखा मुझे। अभी लगे। गांव वाले इतने पढ़ाई लिखाई केंद्र सुने हुए कहीं जाके। ये दवा है और ये मालिश का तेल। मैं क्या करूँ, अब कुछ करो भैया। अरे रोने से क्या होगा, जा चल इसे जल्दी से अस्पताल ले जा। मैं कैसे ले जाऊँ, यहाँ तो कोई सवारी भी नहीं है। हाँ हाँ, ऐसा कर, तू साइकिल पर बैठ सकेगी मेरे पीछे? नहीं नहीं, मैं पीछे नहीं बैठूंगी, गिर पड़ूंगी। चलो चल, हम तेरे को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है? गांव के बाहर छोड़ दूंगा, वहां से कोई सवारी मिल जाएगी। अच्छा, ठीक है, मेरा मुंडा ठीक हो जाएगा, हो जाएगा, चिंता नहीं। डाकिया और धनिया अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर ने देखा पप्पू को, मगर तब तक तो सब कुछ खत्म हो चुका था। अब धनिया बेचारी रो रो कर अपना सर पटकती रही और कहती है कि मैं मूरख अपने हाथों से अपना बच्चा गंवा बैठी। बस बीबी जी, इसीलिए काम पर नहीं आई, उसे तसल्ली देती रही, पर मेरी तसल्ली से उस बेचारी का गम कम थोड़ी होता। औलाद का दुख बहुत बड़ा दुख है बीबी जी। सुखी अम्मा, धनिया की इस घटना से लोग कुछ तो सबक लें, तभी तो कहते हैं ना कि साक्षर होना कितना जरूरी है। लाजो, कौन है? अरे तुम्हारी चिट्ठी है। अरे पढ़ लेगी या पढ़कर सुनाऊं? बीबी जी, ये अपना अनूप नगर पहले कितना छोटा था और अब जब से ये कारखाने खुले कितना बड़ा लगने लगा है। देखो तो सही, दूर दूर तक घर ही घर नजर आते हैं। भाई ये तो अच्छी बात है ना, छोटा शहर बढ़कर बड़ा हो गया। हाँ, अच्छी बात भी है और बुरी भी। क्यों भाई? अच्छी यूं कि कारखाने खुले तो हम लोगों को काम मिल गया, और बुरी यूं कि जगह जगह शराब की दुकानें खुल गई हैं। नए गांव के जो लोग कभी नहीं पीते थे ना, वो भी मरे पीने लग गए। हाँ ये तो तुम ठीक कहती हो बहन जी। कल रात को कजरी के आदमी ने दारू पी करके उसे इतना मारा कि मैं आपको क्या बताऊं, घर घर में यही कहानी है। तो तुम लोग मर्दों को समझाओ, उनके जुल्मों को मत सहो, अरे हिम्मत से उनका मुकाबला करो। कैसी बातें कर रही हो बहन जी, ये गांव की औरतें इन मरे शराबी मर्दों का क्या मुकाबला करेंगी? सुमित्रा बहन, एक मिनट यहाँ आइए।
क्या बात है लाजो? अभी बताती हूँ। ये चिट्ठी तू भी लाजो, बैठ। तेरा पति भीकू ड्राइवर है? हाँ। उसके ट्रक का एक्सीडेंट माने टक्कर लग गई है। उसे घबरा मत, उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और तुझे जल्दी शहर बुलाया है। पर कौन से शहर? राजगढ़। भगवान, यहाँ से बहुत दूर है। चिट्ठी लिखी गई है 3 तारीख को और आज है 13 तारीख। कब मिली तुझे चिट्ठी? मुझे तो परसों मिली थी। परसों? हाँ। लाजो, परसों चिट्ठी मिली है, तू आज पढ़ा रही है। अगर तुझे पढ़ना नहीं आता था तो किसी और से पढ़ा लिया होता। 3 दिन में तो चिट्ठी मेरी पहुंची है, अब पता नहीं वहाँ भीकू कैसा होगा। हाय भगवान, अब मैं क्या करूँ? घबरा मत लाजो, घबरा मत, भगवान है ना। अच्छा सुन, तू गांव के किसी आदमी को लेके सवेरे वाली गाड़ी से राजगढ़ चली जा, ठीक है? अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो मैं इंतजाम कर देती हूँ। लाजो हिम्मत मत हार। अरे पागल, चुप चुप, कुछ नहीं होगा लाजो, इसमें लिखा है ना, वो ठीक है। तू तैयारी कर जाने की, मैं पैसों का इंतजाम करके आती हूँ। बस बस लाजो। कैसी हो अम्मा? बस बेटा खुश। जरा लाजो को समझाओ। लाजो समझाओ? अरे लाजो, अरे क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही है? अम्मा, अरे क्या बात हो गई, रो क्यों रही है, बोलेगी भी? शहर में इनकी ना ट्रक से टक्कर हो गई। हे भगवान, अरे ठीक तो है? नहीं, राजगढ़ के अस्पताल में भर्ती है। अरे तो तू यहाँ काहे को बैठी है, वहाँ जाना शहर। कैसे? अरे कैसे, अब चल चौधरी साहब के घर चलते हैं, उनका बेटा है ना, वो ले जाएगा तुझे, मैं बात कराती हूँ। अम्मा, अरे घबरा मत, हौसला रख। सुखी अम्मा, लाजो शहर गई या नहीं? कहाँ बीबी जी, उसकी तो शहर जाने की तैयारी धरी की धरी रह गई। क्यों? सुबह सुबह तार आया कि भीकू गुजर गया, बस वो तो पछाड़ खाकर गिर पड़ी। तुम्हारी ये बात सुनकर बहुत ही दुख हो रहा है, लाजो कैसी है अब? बस यही कहती है, अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो आखिरी वक्त में अपने आदमी को देख लेती। जरा देखो तो कौन है। नमस्ते बहन जी। नमस्ते, कैसी हो सुखी अम्मा? बस जी। नमस्कार चंदौर बहन। नमस्ते, बैठो सत्या, कैसे आना हुआ? चंद्रा बहन, फोन पर तुम्हारी बात सुनकर मैं सोच रही हूँ कि नया गांव की औरतों के लिए हम एक प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोल ही लेना चाहिए। सत्या, तुमने तो बिल्कुल मेरे मन की बात कह डाली, मैं बिल्कुल यही सोच रही थी। केंद्र खोलने और उसे चलाने का काम भी हम लोग कर सकते हैं और उन्हें पढ़ाने का काम भी कर सकते हैं, तो फिर हाँ, और इस तरह सहेली की ओर से लोगों के अंधेरे जीवन में प्रकाश भरने का काम होगा, उन्हें साक्षर बनाकर। तो ठीक है, सहेली की अगली ही मीटिंग में प्रस्ताव पास करके काम शुरू कर दिया जाए। हाँ, और अब देर की भी क्यों जाए। बिल्कुल। देख भैया छेदी, पैसा देने में कोई बुराई नहीं, तू 500 के ले ले 1000, मगर टाइम पे पैसा लौटा दे। पहुंचा दे। हाँ, टाइम पे पहुंचा दे, फिर यूं कहेगा लाला ने 500 का। राम राम कजरी, जा रहे, समझ गया बात को? हाँ, राम 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 जा। अरे भैया कजरी आई है, कुछ दियो के सौदा लेगी। अरे लाला, सौदा ना चाहिए। हाँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए लाला। पैसे चाहिए? कतेक पैसा चाहिए? बस 300। 300 क्या, 500 ले जा। ना, 300 ही दे। कुछ हमारा भी ख्याल कर लिया कर कजरी। ये ले भैया, वो दियो अंगूठा लगाने वाला, बही खाता लिया। हाँ, अंगूठा लगा के चली जा। हाँ। अरे लाला, हाँ। अब वो दिन दूर नहीं जब कजरी अंगूठा ना लगाएगी, नाम लिखेगी।
और जो तू तो हिसाब किताब में गड़बड़ी करता है ना, सब पकड़ लूंगी। मगर कजरी ये चमत्कार होगा कैसे? ले, तुझे ये भी ना मालूम? अरे जल्दी हमारे गांव में औरतों के पढ़ने के लिए स्कूल खुलने वाला है। गांव की सब औरतें पढ़ने जाएगी, फिर करना मनमानी, तेरी एक ना चलेगी। हाँ तू सच कह रही है? और क्या झूठ? और जो तू हम लोगों के साथ हिसाब किताब में गड़बड़ी करता है ना, वो सब बंद हो जाएगा। हाँ अच्छा अच्छा चल ठीक है, यहाँ अंगूठा लगा अपना। हिसाब किताब में गड़बड़ी, ये बूढ़े तोते भी पढ़ने लगे ना तो हाँ हो गया हिसाब किताब। अरे लाला तुम तो अपने खातों की फिकर करो, कहीं उनका राम नाम सत ना हो जाए। चलती हूँ चलती हूँ, टाइम पे लौटा दियो पैसे। अंगूठा भी ठीक लगाया ना? हाँ ले रे, ले जाइए, स्कूल खुल रहा गांव में, बड़े बूढ़े पढ़ेंगे। अरे चलो अच्छा लाला आया, स्कूल खोल रहे, बड़े बूढ़े पढ़ेंगे, हिसाब किताब का राम नाम सत्य करेंगे। कुछ करना पड़ेगा भैया मोहनलाल, नहीं तो ऐसे सब गड़बड़ हो जाएगी। रसोई का काम तो पूरा हो गया बीबी जी। सुखी अम्मा अब तो गांव में बूढ़ी औरतें केंद्र में बहुत पढ़ने आने लगी हैं। लाजो संतो धनिया कजरी ये तो पहले से रोज ही आती हैं। तुम भी पढ़ने आया करो ना। अरे बीबी जी क्यों मजाक करती हो, मेरी कोई उम्र है पढ़ने की? अरे पढ़ने की कोई उम्र होती है क्या? मुझे तो आंखों से दिखाई भी नहीं देता। पर एक बात है बीबी जी, गांव में तुम्हारे काम की खूब चर्चा है, औरतें खूब तारीफ करती हैं तुम्हारी, बड़े दिल से दुआएं देती हैं, बड़ी उम्मीद है उन्हें तुमसे। ठीक कहती हो अम्मा, गांव में साक्षरता आ जाने से कितना बदलाव आ गया है। गांव की औरतों के साथ अब तक जितने जुल्म होते आए हैं, उनके साथ जो भी शोषण हुआ है, उससे उनको कितनी राहत मिलेगी। और तुम्हें भी बहुत पुण्य मिलेगा, बड़ी सेवा कर रही हो उन लोगों की। अच्छा अब मैं चलती हूँ। ठीक अम्मा, सो जा तू। सोई नहीं अभी तक, बैठी। अपनी तो आफत हुई पड़ी है, स्कूल खोल दिया गांव में, औरतें पढ़ रही हैं, बुड्ढे पढ़ रहे हैं, ये पढ़े लिखेंगे, दस्तखत कर रहे, धंधा चौपट कर दिया। हाँ यार ऐसे, हाँ भैया जल्दी आओ, चलते हो। राम राम, राम राम भाई। ऐसा था कालू चंदू भाई, तुम्हें इसलिए बुलाया था, वो गाँव में स्कूल खुल गया, यहाँ की औरतें पढ़ने लिखने लगी, अपना तो धंधा ही चौपट। भाई कुछ करो, कुछ ऐसा कर दो कि बस अपना काम बन जाए। हाँ लाला काम की बात बोल, किसी का खून करना तो बता। अरे भैया कर लू, तेरे से जब भी कोई बात करो तू मारने काटने की बात करता है, यार डरा धमका के काम चला ले। क्यों भाई चंदू? तो फिर ठीक है लाला, हम कल से औरतों का वहां जाना रोक देते हैं। ना ना ना, ना ऐसे नहीं, एक काम करो, इस गांव के मर्दों को भड़काओ, भड़काओ उन्हें, और उनसे कहो कि अगर तुम्हारी औरतें पढ़ने लिखने लग गईं, तो तुम्हारे सिर पे राज करेंगी, चूड़ियां पहना देंगी तुम्हें। हाँ। और जितने शराबी है ना, खूब पिला, पिला पिला के भड़काओ, और जितने कमजोर है ना उन्हें डरा दो, और उनसे कहो कि अगर तुम्हारी औरतें पढ़ने गई तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे। बस इतना सा काम है, लाजार रुपए दे, कम कर लो। लाला फिर साथ में हम तेरा नाम भी ले देंगे। नहीं नहीं नहीं, मेरा नाम मत लेना, हजार रुपए ले लो, हजार मत लेना। बस काम एकदम कर लो। अरे ये भी ले ला, अब हर टाइम बाद में देख लेंगे। देखो हाँ चोखा काम कर देना। लाला आराम से रह, रजाई तान के सो, समझ तेरा काम हो गया। चल चंद हो गया तो फिर ठीक है भैया, आराम से जाना, चकली होने पाए किसी को। ठीक है लाला, जय राम जी, जय राम जी। चल भाई बढ़िया है, रुपये ले गए, चलो काम तो हो जाएगा। अब देख लूंगा कैसे जाएंगे स्कूल में पढ़ने, करेंगे दस्तखत। चल ओ चंद्रा बहन आओ बैठो, आज तो मीटिंग थी,
इतनी कम औरतें क्यों आई हैं? अब क्या बताऊं सत्या बहन, कल केंद्र में 14 औरतें आई थी ना, लेकिन आज। लेकिन क्या बात है बोलो। अब क्या बताए चंद्रा बहन, ऐसा लगता है कोई हमारी पढ़ाई से खुश ही नहीं है। वो लोग मर्दों को भड़का रहे हैं, मर्द लोग औरतों से झगड़ा करने लगे हैं, रोज मारपीट करते हैं, कहते हैं पढ़ने ना जाओ, तो फिर क्या करें? सब लोगों के घर में पुलिस तो खड़ी की नहीं जा सकती। अब हम क्या करें? कल हमारा मर्द पी कर आया, बोला कि कल्लू ने पिलाई है, कह रहा था कि कल से केंद्र में मत जाना। ये कल्लू कौन है? लो, कल्लू और चंदू गांव के दो बड़े गुंडे हैं। ओह, उन लोगों से किसी ने कहा होगा, वो लोग भला ऐसा क्यों करेंगे? कजरी, तुम लोग अपनी ताकत जगाओ, ऐसे विरोध तो होते ही रहते हैं, और फिर तुम गांव की सारी महिलाएं मिलकर उनका मुकाबला करो, फिर देखो। ठीक है बहन जी, आज से ऐसा ही होगा। और हाँ, उन गुंडों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलो तुम लोग तो पढ़ाई करो, दिखाओ क्या लिखा है। तुम दिखाओ। अरे वाह, राम राम। राम राम। हाँ बोल कल्लू। लाला, हमने तो काम कर दिया था, मगर औरतें एकजुट हो गई हैं, उन्होंने मर्दों के खिलाफ मोर्चा बना लिया है। ऐसा लगता है लाला जैसे वो पढ़ाई के पीछे पागल हो, वो तो किसी की कुछ सुनती ही नहीं। अगर किसी का पति मार पिटाई करता है तो मोहल्ले भर की औरतें इकट्ठा होकर उसकी पिटाई कर देती है। लाला, लगता है उनके बारे में कुछ और ही सोचना पड़ेगा। मैं एक बात सोचता हूँ, इनका जो बांस का घर है ना, उसे जला दो, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ठीक है? लेकिन लाला, इसके लिए 1000 रुपए और लगेंगे। इस बार थोड़ी रियायत कर लो भाई। तो ठीक है, काम होने के बाद तुम्हारा नाम बता देंगे। यार नाम नहीं, नाम नहीं, 1000 रुपए ले लो, नाम नहीं लो। ला, नाम नहीं चाहिए। अरे दे लाला, ये लो 1000 रुपए पूरे और जाओ। बस ऐसे काम कर देना किसी को कानो कान खबर ना हो, जला दो। चलेगा लाला। ठीक है, पता नहीं कहां से ये मुसीबत पल्ले पड़ गई है। एक बार काम हो जाने दो मेरा, ले जाओ बच्चू 1000 1000, तब कमाऊंगा कई कई 1000। ए चंदू, चल चल, ये हो गया काम, रुक जाए। आज लाला खुश, खुश हम भी खुश। लालू देख, फ्रॉड छपे। इसी बात पर रो रहे हो तुम लोग? बहन जी, अब हम कभी ना पढ़ सकेंगे, सब खत्म हो गया। क्यों, क्यों नहीं पढ़ सकोगी? हमारा ये केंद्र फिर भी चलता रहेगा। हम औरतों को अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ना होगा, ये तो लड़ाई की शुरुआत है। फिर गांव की औरतों को साक्षर होना बहुत जरूरी है। देखिए, आप लोग फिक्र ना कीजिए, कानून आपके साथ है। हमने चंदू, कल्लू और मोहनलाल को पकड़ने के लिए पुलिस को भेज दिया है, अब वो ज्यादा देर तक हमारी पकड़ से दूर नहीं रह सकते। ये तो इंस्पेक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा किया। हाँ। जनाब, मेरी बात सुनिए,
कानून को अपना काम करने दीजिए, आप लोग हाथ मत लगाइए। मुझे माफ कर दो, मैं अंधा हूँ, मैं पापी हूँ। अरे जूती काट के मारो नाक पीटे को, जूती काट के। माफी या सजा तो तुम्हें अदालत देगी मोहनलाल। अरे कीड़े पड़े तेरे, जी तो चाहता है जलती लकड़ी से तेरा मुंह जला दूं, तेरे बरिक बही खातों को आग लगा दूं। कजरी मैं दिखाती हूँ। धनिया बस करो। कैसे बस करो? समाज के दुश्मनों को सजा तो मिलनी ही चाहिए। और क्या? नहीं नहीं, मुझे जेल मत भेजो, मैं ये सब पक्का बनवा दूंगा, मैं खर्चा दूंगा, मुझे माफ कर दो। ठीक है आने चल के बोलो। अब अकेला आ गई? आपने बड़ा अपराध किया। क्यों किया तुमने? कौन है? दो एकम दो, दो दूनी चार, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो तिया छः, दो चौके आठ, दो चौके आठ। कल्लूलाल शर्मा, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? बिल्कुल ठीक चल रही है बहन जी। और चंद्रिका प्रसाद तुम्हारी? जी अब तो हमने बहुत कुछ सीख लिया है। अच्छा बहन जी, हमने गुंडागर्दी भी छोड़ दी है, शराब भी छोड़ दी है, अब तो हम बिल्कुल शरीफ आदमी बनकर रहते हैं। बहन जी आपने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी है। जी दीदी, अब गाँव और समाज में हमसे कोई भी नफरत नहीं करता। साक्षरता का यही तो जादू है, गांव की औरतों में देखो कितना बदलाव आ गया है। दीदी आपने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी है। सच चंद्रा बहन, इन सबको यूं पढ़ते लिखते देखकर कितनी खुशी महसूस होती है। बिल्कुल, आखिरकार हमारी मेहनत रंग ले ही आई। हाँ। उम्र गवाई बिन पढ़े, उम्र गवाई बिन पढ़े, समझ न आई बात, समझ न आई बात, जब समझो तब ही भला, जब समझो तब ही भला, जागो तभी प्रभात, जागो तभी प्रभात, जागो।